जब एक विकास पुरुष की छवि लेकर के आप जय श्री राम का नारा भी लगवा लेते हैं भीड़ से, तो आप दरअसल एक तीर से कई निशाने कर रहे होते। योगी आदित्यनाथ को बिहार के चुनाव में उतारने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति। दरअसल बीजेपी पूरे देश में तो नंबर एक पार्टी है, पूरे देश में उसका दबदबा है, केंद्र सरकार उसी की है, लगातार दूसरी बार वो प्रचंड बहुमत से केंद्र की सरकार चला रही है, उसके खुद के खाते में 300 से अधिक लोकसभा सीटें, इससे ज्यादा बहुमत किसी को क्या मिलेगा। लेकिन बिहार में बीजेपी लगातार कई बार से, कई चुनाव से सेकेंड फेडल प्ले कर रही है, दूसरे नंबर पर है, जेडीयू के साथ उसे रहना पड़ता है। जब जेडीयू से अलग हो जाती है तब भी पिछले चुनाव में वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाई थी, यहां तक कि उसके पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के नाम पर तो वहां रहते हैं, लेकिन शायद अभी बीजेपी उन पर इतना भरोसा नहीं करती कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने कर सके। ऐसे में गठबंधन तो है जेडीयू के साथ, लेकिन बीजेपी अपने आप को भी वहां मजबूत करना चाहती, शायद ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। शिवसेना के साथ गठबंधन था, शिवसेना वहां का हमेशा अपर हैंड रहती थी उस गठबंधन में, लेकिन बीजेपी ने अपने आप को धीरे धीरे वहां मजबूत किया। अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और हम सब जानते हैं कि पिछले साल वहां के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब शायद बिहार में भी बीजेपी की यही कोशिश है। तो योगी को उतार करके बीजेपी एक पंथ दो काज करना चाहती है। यूपी में योगी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का बखान, मोदी के कामों की तारीफ और साथ में भगवा कपड़े के साथ एक संत के मुंह से जय श्री राम का उद्घोष जनता के अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जगाता है। और धर्म भारत की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है और रहेगा भी, इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार के चुनाव में दो दो हाथ कर रहे नेताओं की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी की वजह से वो अब एनडीए का हिस्सा तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे, ऐसा कहते रहते हैं। रिश्ता टूटने के बाद तेजस्वी भी मौके का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं और चिराग से दोस्ती करने की मंशा बना रहे हैं, ऐसे बयान भी दे रहे हैं। चिराग ने भी बीते दिन नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। यानी राजनीतिक खिचड़ी कुछ ना कुछ पक रही है। राजनीति के पल पल करवट बदलते रिश्तों पर देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। ये सियासत के चश्मे कुछ धुंधले हो गए, चुनावी वादे फिर जुमले हो गए। वादों और जुमलों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले सियासत में रिश्तों से रूबरू होंगे। कहते हैं राजनीति की गद्दी इतनी कीमती होती है कि अक्सर इसकी कीमत किसी रिश्तों को ही चुकाना पड़ता है। इस समय जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जाहिर है कि आप सभी हरकतों से वाकिफ होंगे। अचानक से रामविलास पासवान का चले जाना और नीतीश चिराग के रिश्तों में दरार आ जाना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि कहीं रिश्ते चुनावी माहौल में सूली चढ़ रहे हैं तो कहीं दुश्मन दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने नीतीश का दामन क्या छोड़ा, तेजस्वी भी वक्त का फायदा उठाते नजर आए। रिश्ते टूटने के बाद एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी अपनी हर रैली में नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर इन सब खींचतान के बीच मंगलवार शाम को एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी बयां कर रही है। उस तस्वीर के लिए अलग से कैप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल एलजेपी के दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान के श्राद्ध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। इन दोनों नेताओं के बीच में चिराग पासवान बैठे नजर आए, लेकिन तीनों नेताओं के बीच संवादहीनता दिखी। बता दें कि एनडीए और महागठबंधन में सियासी जोर के बीच एक चैलेंज चिराग पासवान का भी है। वह एक तरफ लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते भी नहीं थक रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच तेजस्वी ने चिराग का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार को दोषी करार दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी चिराग के साथ किया है वो सही नहीं है। चिराग पासवान को अपने पिता की जरूरत पहले से ज्यादा इस समय है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है और हम इससे दुखी हैं। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ अन्याय किया। तेजस्वी के समर्थन के बावजूद शोक सभा में जैसे ही नीतीश पहुंचते हैं, चिराग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वही राजनीति पंडितों का कहना है कि तेजस्वी भले ही चिराग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हों,
लेकिन चिराग का तेजस्वी के प्रति हमलावर तेवर ये साबित करता है कि ये दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदल सकती। वही दूसरी तरफ भले ही नीतीश से दूर होने के बाद चिराग बीजेपी के साथ अपना भविष्य तलाश रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सत्य है कि चिराग बीजेपी के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नए उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की उसमें राघोपुर सीट पर भी भाजपा का उम्मीदवार होगा। हालांकि यहां बीजेपी तेजस्वी के खिलाफ कैंडिडेट दे चुकी है, बावजूद इसके चिराग ने यहां अपनी पार्टी का उम्मीदवार दिया है। चिराग पासवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए तेजस्वी यादव के मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन राजनीति जानकारों का मानना है कि राघोपुर सीट से चिराग पासवान बीजेपी का भी पेच फंसा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी को भविष्य की राजनीति के लिए चिराग शुभकामना भी दे चुके हैं। पिछले दिनों जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब भी पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी और चिराग की मुलाकात पर सबकी नजरें बनी हुई थी। तब तेजस्वी ने चिराग के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया था, लेकिन नीतीश के नाम पर एनडीए से राजनीति की राह अलग करने वाले चिराग फिलहाल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। बीजेपी के नेता अब उन्हें वोट कटवा बताने लगे हैं, लेकिन चिराग अपने वोटर्स को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनके लिए नीतीश और तेजस्वी दोनों बराबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।